CITU जिला सोलन कमेटी की ओर से आज जो BBN का लेबर ऑफिस है झाड़ माजरी में, वहाँ पर ये प्रदर्शन हमने किया है। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरीके से BBN के इलाके में जो यूनियनों का निर्माण हो रहा है, उसका जो पंजीकरण है, इस देश के अंदर जो है यूनियनों के पंजीकरण का कानून 1926 का है और उसके अनुसार पंजीकरण होना चाहिए, उनका सत्यापन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए और मजदूर को जो पंजीकरण के जरिए कानूनी वैधता मिलती है वो होना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया है कि कई कई वर्षों तक लेबर ऑफिस के अंदर जो है फाइलें पड़ी रहती हैं, यूनियनों का वेरिफिकेशन नहीं होता, जिसके कारण यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। तो इसके कारण जो है जो कंपनी प्रबंधन है वो मजदूरों का दमन करते हैं, उनका शोषण और ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक कि जब यूनियन के लिए मजदूर अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण उनको नौकरी तक से निकाला जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या दूसरी तरह की विक्टिमाइजेशन की जाती है। तो एक मुद्दा तो ये था कि ये कार्य जो है 45 दिन के अंदर किया जाए, क्योंकि देश के कई राज्यों में 45 दिन के अंदर यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरी बात यह है कि श्रम कानूनों की भी बड़ी स्तर पर जो है अवहेलना जो है BBN के इलाके में हो रही है और इसमें जो लेबर ऑफिस की भूमिका हो सकती है कि देश के जो 44 श्रम कानून अभी भी कायम है, बेशक 4 लेबर कोड बन गए हैं, वो श्रम कानून जो है यहाँ पर लागू नहीं किए जा रहे हैं। मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है, मजदूरों के जो मांग पत्र हैं उन मांग पत्रों पर जो है कई कई महीने तक जो है वार्तालाप नहीं होती है, उसका समाधान नहीं होता है। लेबर ऑफिस की जो चिंता वार्ता में भूमिका होनी चाहिए उससे एक तरह से बिल्कुल निष्क्रिय भूमिका जो लेबर ऑफिस की नज़र आती है। तो इन सारे मसलों को लेकर जो है आज हम यहाँ पर आए थे, प्रदर्शन हमने किया, उसके बाद जो है बातचीत भी लेबर ऑफिसर से हुई है और ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर BBN के इलाके में मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है, श्रम कानूनों की पालना नहीं होती है, यूनियनों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं होता है, तो निश्चित तौर से मजदूर लामबंदी करेंगे और अभी 28 और 29 मार्च को पूरे देश में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। BBN के अंदर हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा मजदूर अगर एक जगह कहीं है वो BBN के इलाके में, जहाँ 2 लाख से ज़्यादा मजदूर जो काम कर रहा है। हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से मजदूरों से भी अपील कर रहे हैं कि 28 से 29 मार्च की हड़ताल को सफल बनाएं और भारी तादाद में जो है सड़कों पर उतर कर जो है लामबंदी भी करें, प्रदर्शन भी करें और अपने अपने उद्योग को बंद करके जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, जिसमें खासतौर पर जो लेबर कोड का सवाल है, 21,000 रुपये वेतन का सवाल है, जिसमें जो ठेका प्रथा उस पर रोक लगाने का सवाल है, आउटसोर्स की नीति बनाने का सवाल है, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है और इसके साथ जो नियमितीकरण का सवाल है आंगनबाड़ी वर्कर्स के या मिड डे मील आशा वर्कर्स के, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसको बचाने का सवाल है, इन सारे सवालों को लेकर ये 28 मिनट